बहुत अरसों से, मैं तो अपने बचपन से वो कार देखती आ रही हूँ। तो प्रेजेंटिंग बिफोर यू टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन विद एडास फीचर्स। हाय पीपल, वेलकम बैक टू बेटर ड्राइव्स अगेन। आप मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, जानकर बहुत खुशी हो रही है। और इसी खुशी में मैं आपके सामने लाई हूँ एक इंडिया के फ्लैगशिप एसयूवी, जो बहुत बरसों से अपने सेगमेंट में नाम कमाती जा रही है एंड विद टाइम उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। बहुत अरसों से मैं तो अपने बचपन से वो कार देखती आ रही हूँ। तो प्रेजेंटिंग बिफोर यू टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन विद एडास फीचर्स। तो आपको तो पता ही है कि टाटा सफारी हमेशा से ही एक फ्लैगशिप कार रही है इंडिया के लिए, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। और इसके फीचर्स बताने से पहले, मैं आपको इसका वॉक अराउंड कराने से पहले, मैं अगर कोई व्यूअर्स इस चैनल पे नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, जो भी आपको बात बोलनी है कमेंट सेक्शन में बोलिए, कोई सजेशन देना है कमेंट सेक्शन में बोलिए, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, नहीं तो मेरे को जो ईमेल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे उसको आप मेल भी कर सकते हैं। तो जो आपको रेड डार्क एडिशन मिलेगा टाटा सफारी में, वो आपको मिलेगा एक्सजेड ए प्लस में, एक्सजेड प्लस में एंड एक्सजेड ए प्लस ऑप्शनल में। एंड ऑप्शनल में ही आपको एडास फीचर्स मिलने वाले हैं, बाकी दो वेरियंट में आपको ओनली 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। तो इसको हम जो मेरे सामने रखी है, जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये टॉप मॉडल है, ऑप्शनल वाला मॉडल है, इसमें आपको एडास फीचर मिलेगा। तो चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं इसकी कीज। इसकी कीज बड़ी ही क्लासिक है, जैसे टाटा सफारी की कीज आती है वैसे ही की, चार बटन्स हैं इस की में, जिससे आप लॉक अनलॉक, आगे की हेडलैम्प्स ऑन कर सकते हैं एंड पीछे की डिग्गी को भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं आप इसके एक्सटीरियर्स को। तो एक्सटीरियर्स डायमेंशन वाइज, जो आपकी सफारी का डायमेंशन आता है, इसमें कुछ डायमेंशंस में कुछ चेंज नहीं किया गया है, ओनली चेंज किया गया है इसके एक्सटर्नल लुक में। लुक में क्या चेंज किया गया है, आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि रेड डार्क एडिशन है तो यहाँ पे आपको एक ओनली एक मिनिमलिस्टिक लुक रखने के लिए आपको ओनली वन यहाँ पे रेड कलर का ट्राई हेड एरो दिया गया है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट लगता है एंड लुक को एनहेंस करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे ग्रिल को एंड इवन स्किड प्लेट को सबको ब्लैक किया गया है, साथ ही साथ जो टाटा का लोगो है इसको भी ब्लैकआउट किया गया है। जस्ट मेरा एक मानना था, मेरा एक ओपिनियन है, अगर इस टाटा के लोगो को ब्लैकआउट करने की बजाय अगर वो उसमें थोड़ा सा रेड एलिमेंट दे देते तो शायद लुक और एनहेंस होके आता एंड इसकी विजिबिलिटी और अच्छी दिखती। इसमें एडास फीचर में देखिए आपको यहाँ पे 360 कैमरा का जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूंगी तो यहाँ पे आपको DRL मिलेगी, जो आपको टर्न इंडिकेटर की तरह काम करती है। यहाँ पे बाई जेनॉन हेडलैम्प्स मिलेंगे, यहाँ पे कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स मिलेंगी। तो एडास फीचर में जो अगर पहला फीचर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 360 डिग्री कैमरा। तो 360 डिग्री कैमरा का जो आपका फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पर आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो एडास का रडार सेंसर है वो यहाँ पे आएगा, साथ ही साथ आप वहाँ पर जो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सेंसर मिलेगा, एडास का रडार सेंसर मिलेगा। तो सामने से आप देखेंगे काफ़ी कार बहुत ही स्पोर्टी एंड मस्कुलर लुक देती है, जो सफारी का एक पर्सनालिटी अपने आप में खुद ही है। तो अभी साइड प्रोफाइल की हम बात करते हैं। तो बात करें हम साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी बहुत ही मस्कुलर एंड बहुत ही लंबी दिखती है। आपको मिलते हैं यहाँ पे 18 इंच के अलॉय व्हील, साथ ही साथ ये जो रेड कैलिपर आप देख रहे हैं ये 4 व्हील्स में मिलते हैं। और यहाँ पे आपको मिलती है हैशटैग डार की बैजिंग यहाँ पर, और यहाँ पे आपको ORVMs मिलते हैं, ORVMs आपको ऑटो फोल्ड ORVMs मिलते हैं। यहाँ पे 360 डिग्री कैमराज, दो कैमराज आपको मिलते हैं, दोनों ORVMs पे एक एक मिलता है। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे जो देखेंगे बहुत बड़ा जो अपडेट आया है, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आपको मिलता है दोनों ही ORVMs पे। और यहाँ पे आपको मिलती है पैसिव एंट्री मिलती है, क्विक एंट्री मिलती है यहाँ से। ये जो फ्यूल टैंक मिलता है ये आपको 50 लीटर कैपेसिटी का डीजल आप यहाँ पे फिल करेंगे, एंड यहाँ पे DEF फिल करने की जगह दिखाती हूँ आपको, कहाँ पे आप DEF फिल कर सकते हैं।
DEF फिल करने की जो जगह है वो है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप यहाँ पे DEF फिल करना पड़ेगा आपको। बूट आपका जो है पूरा रेगुलर सफारी की तरह है, मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यहाँ पे भी अगर बैक लुक की, अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना है एंड आपका ये ब्रेक लाइट्स है, यहाँ पे लंबा सा स्पॉइलर है, डिफॉगर वाइपर सब यहाँ पे दिया गया, साथ ही साथ ये आपको दिया गया है 360 डिग्री कैमरा का, यहाँ पे बैक कैमरा दिया है। और यहाँ पे आपको मिलता है टाटा का लोगो जो पूरा ब्लैक आउट किया गया है, तो कार पूरी पीछे से ब्लैक है, जस्ट ये आपकी सफारी की बैजिंग जो की है वो क्रोम में की गई है। तो सबसे पहले अगर हम इंटीरियर्स में वॉक करेंगे, अगर फर्स्ट केबिन हमें हम जाएंगे तो जब ड्राइवर डोर ओपन करने पे आपकी सीट अपने आप ऊपर नीचे होती है, क्योंकि इस सीट में मेमोरी फंक्शन है, तो आप डरिएगा मत इस सीट को अगर अपने आप ऊपर नीचे हो तो। तो इस सीट में देखिए, पहले तो आप देखिए कि इस इंटीरियर्स में आपको पूरी की पूरी रेड लेदर सीट्स मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट जो मिलेगी वो रेड कलर की मिलेगी, क्योंकि अभी सो सनलाइट है तो यहाँ पे आपको ध्यान नहीं जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट आपको रेड कलर की मिलेगी। ये सब कंट्रोल्स आपको चारों पावर विंडोज के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे। ये भी जो हैंडल यहाँ पे मिलेगा आपको पकड़ने के लिए, ये भी आपको रेड लेदर में मिलेगा। बाकी सारा लुक सेम रहेगा, बस डिफरेंस है कि ये आपको रेड कलर मिलेगा। यहाँ पे लाइट जो है ये भी रेड कलर में मिलेगी आपको। तो अगर अभी हम बात करते हैं सीट की, तो सीट में आपको सबसे पहले तो काफ़ी ब्रॉड सीट्स मिलने वाली है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिलने वाली हैं, एंड ये मिलेगी आपको वेंटिलेटेड सीट्स। वेंटिलेटेड सीट जो है मतलब इसमें 3 लेवल वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ ये जो सीट है आपको 6-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड सीट मिलेगी, एंड जो साइड वाली सीट मिलेगी वो आपको 4-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड सीट मिलेगी। तो अब थोड़ा हम स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं, अभी फटाफट मैं आपको दिखा देती हूँ स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग आपको यही जो सफारी का जो स्टीयरिंग है वही स्टीयरिंग मिलने वाला है, लेदर कवर्ड स्टीयरिंग मिलेगा। यहाँ पे आपको हेडलाइट्स एंड लाइट्स के कुछ कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल मिलेंगे, एंड यहाँ पे जो आपको क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा वो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। एंड इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको नेविगेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ एडास को आप मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे फीचर्स भी मिलेंगे। तो अभी हम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं। तो देखिए कि तो जब ऐसी कार ऑन होती है तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा एक एनिमेटेड व्यू आता है, टाटा मोटर्स आपको वेलकम करता है इस कार में, एंड ये पूरा आपके सामने पूरा क्लस्टर है, कॉम्प्रिहेंसिव क्लस्टर है। इसमें सारे के सारे डिटेल्स आपकी जो भी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो आपके ड्राइवर को रनिंग करने के लिए टाइम पे चाहिए पड़ती है वो सब इसमें डिस्प्ले पे आ जाती है। साथ ही साथ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेटेड है, तो उसमें भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की शो होती है। तो अगर हम बात करें सेंट्रल कंसोल की, ये पूरा का पूरा आपको सफारी का मिलता है, जो आपको रेगुलर सफारी आती है वही मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ अडास के फीचर्स के कंट्रोल मिलेंगे। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका जो टच क्वालिटी है काफी अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे आपको जो एंड्रॉयड ऑटो मिलेगा ये वायरलेस मिलेगा, लेकिन जो एप्पल कारप्ले मिलेगा ये अभी वायर्ड मिलेगा, हो सकता है बाद में कुछ अपडेट आए तब जाके ये वायरलेस हो जाए। तो इसमें देखिए अडास के आपको कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे कार के आपको जो लुक है वो देखने वाली है, यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस मिलने वाला है, यहाँ पे ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, हाई बीम असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, डोर ओपन अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज अलर्ट, रियर कोलिजन वार्निंग, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे ये बटन प्रेस करके आपको ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पे पार्किंग असिस्ट मिलने वाला है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलने वाला है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे मैंने आपको बताया एक्सटीरियर्स का जब हम व्यू कर रहे थे कि वहाँ पे आपके दोनों ही ORVNs पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के लिए दिया गया है, जो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है सफारी के लिए, और काफ़ी ये अडास का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर आप अपनी गाड़ी का 2D व्यू ले सकते हैं। देखिए 2D व्यू में आपको ये एक स्क्रीन दिख रहा है, ये एक स्क्रीन दिख रहा है। अब अगर इसका आप 3D व्यू देखते हैं तो 3D व्यू देखिए यहाँ पे आपको पूरी की कार 3D मतलब 360 डिग्री में आपको दिखाई दे रही है, इवन ऊपर नीचे भी दिखाई दे रही है। इसमें एक चीज़ थोड़ा नोटिस करने वाली है कि अगर
आप इसमें फ्रंट डोर अगर खोलते हैं तो ये अपने आप देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ, यहाँ का पोर्शन ब्लैकआउट हो जाता है। इसी तरह अगर आप पीछे की डिग्गी भी खोलेंगे तो भी ब्लैकआउट हो जाएगा ये पोर्शन, एंड अगर आप लेफ्ट साइड का भी डोर खोलेंगे तो भी वो पोर्शन ब्लैकआउट हो जाता है। ये सिर्फ सामने के दो डोर्स में एंड डिग्गी में ऐसा होता है। तो क्या इसका मतलब है पता नहीं, हो सकता है टाटा बेटर एक्सप्लेन कर सकता है, बट शायद ये भी एक तरह का एक इंडिकेशन हो कि हाँ मतलब आपका डोर ओपन है जिस वजह से ये स्क्रीन में ब्लैकआउट दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा एक अपडेट है टाटा सफारी के लिए, एंड इसी वजह से शायद ये काफ़ी पॉपुलर भी हो रही है। तो सेंटर कंसोल तो देखिए आप जैसा है वहाँ पे रेगुलर सफारी में वैसे ही था। यहाँ पे सारे बटन्स, यहाँ पे आगे का फॉग लैम्प का, ये पीछे का फॉग लैम्प का कंट्रोल है, हजार्ड लाइट है, ये इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, एंड साथ ही साथ यहाँ पे एसी के कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट एसी कंट्रोल के स्विचेस हैं। यहाँ पे नीचे में आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे वेट कंट्रोल, रफ रोड कंट्रोल एंड सिटी कंट्रोल, इसका भी सब दिया गया है। यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे आपका 360 डिग्री कैमरा आप व्यू कर सकते हैं, यहाँ बटन को डायरेक्टली प्रेस करके, एंड यहाँ पे आपका हिल होल्ड असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल का एक बटन दिया गया है। चूंकि ये कार ऑटोमेटिक में है ये वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको एक क्यूट सा गियर लीवर दिया गया है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक पार्किंग ब्रेक के बटन दिए गए हैं, एक पूरा पार्किंग ब्रेक नहीं है। यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज है, जैसे ये सब बाकी जैसे सफारी में आता है वैसे ही है, तो इसमें इसको मैं और ज़्यादा कवर नहीं करूँगी। साथ ही साथ मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे ऊपर में जो ऊपर का जो स्क्रीन है आपका, वो पूरा आपका ब्लैक आउट किया गया है। और अगर सनरूफ की मैं बात करूँ, आप ध्यान से देखिएगा सनरूफ के लिए, ये आपका वाइड सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ है। तो ये था सनरूफ, एंड अगर आप इसको रात में व्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। देखिए दोनों साइड में आपको कॉर्नर, दोनों साइड में आपको रेड कलर की एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो बहुत ही सुंदर कमाल की लगती है। एंड ये वाली जो आपकी है वो पूरा ब्लैक आउट किया गया है, मतलब सीट्स आपकी रेड कलर की एंड पूरा इंटीरियर पूरा ब्लैक है, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है, प्रीमियम लुक आता है इसमें बैठने के बाद, प्रीमियम फील आती है। अगर मैं पीछे की बात करूँ तो पीछे की सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, लेदर सीट्स है। एंड यहाँ पे जो आप मेन चीज़ नोटिस करेंगे जो इसमें अट्रैक्शन किया गया है वो है इसकी जो हेड रेस्ट का इसका कुशनिंग किया गया है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप लॉन्ग ट्रेवल करते हैं, आपकी आँख लग जाती है, आपका सर बार बार ऐसे होता है, तो ये कुशन के बीच में ही आपका सर होगा, तो काफ़ी अच्छा हेड सपोर्ट आपको मिलेगा एंड कंफर्टेबल राइड रहेगी काफ़ी लॉन्ग जर्नी के लिए। ये काफ़ी इसका प्लस पॉइंट दिया गया है, बाकी सब एक रेगुलर सफारी की तरह है, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। एंड यहाँ पे बस इसमें एक चीज़ दिया गया है जो रेगुलर सफारी में मैनुअल दिया गया है, ये रेड डार्क एडिशन ऑप्शनल वेरियंट में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल दिया गया है। देखिए तो ये आप इस सीट को पीछे से बैठ के ये यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है, एंड इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं जो उसमें मैनुअल दिया गया था। तो यहाँ पे चारों डोर में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, यहाँ पे नीचे की तरफ दी गई है वहाँ पे। तो बात करते हैं अभी इंजन की, इंजन आपको इसमें मिलेगा BS6 फेस 2 कंप्लायंट इंजन, 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन, टर्बोचार्ज डीजल इंजन इसमें आपको मिलने जा रहा है जो आपको 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगा। इसमें पावर आपको मिलेगी 170 BHP की, जो प्रोड्यूस करेगा आपका 350 Nm का टॉर्क। की जो सफारी का जो स्टार्ट होता है डार्क एडिशन, आपका एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा 24 लाख प्लस पड़ने वाला है आपको एक्स शोरूम प्राइस। मेरे को पूरा उम्मीद है टाटा सफारी ये लुक जो है आपको काफी अपीलिंग लगी होगी, और अगर आपका वो बजट है तो डेफिनेटली आप XUV 700 के ऊपर टाटा सफारी को चूज कर सकते हैं। काफी अच्छी इसकी 5-star रेटिंग, NCAP रेटिंग है, एंड इसकी स्पेस अच्छी है। थर्ड रो की जो सीट्स की कंफर्ट है वो XUV 700 से काफ़ी बेटर है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।